सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री मान वालों हुशियारपुर के हड़ प्रभावित इलाकों का ग्राउंड जीरो से जाके जायजा लिया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि हड़ां कारण लोगों के हुए हर नुकसान की भरपाई सूबा सरकार वालों की जाएगी, तो जल्द ही पंजाब विच हालात आम वर्गे होंगे। सीएम मान ने कहा कि पंजाब च हड़ां ने दोबारा दस्तक दी है, पर मैं हर रोज स्थिति बारे जाणू हो रहा। उन्होंने लोगों को हौसला हिम्मत बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समा औखा जरूर है, पर एक दूजे के साथ ना लंघेगा। सरकार वादे मुताबिक लोगों के हर नुकसान की भरपाई जरूर करेगी, तो जल्द ही हालात आम वांग होंगे। हड़ां की मार हेठ आए पंजाब नूं अज आफत का सामना करना पै रहा। इस विचाले कई लोग पानी च फसे हुए ने। अजिहे एक परिवार नूं भारतीय फौज ने रेस्क्यू करके सुरक्षित थां ते पहुंचाया, जिन्हां विच 15 दिनां दा बच्चा भी शामिल है। गुरदासपुर च जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम ने एक मां का फोन आया। उसने दस्सिया कि पानी अंदर दाखिल होने कारण उसका 15 दिनों का बच्चा तो उसके सहुरे घर में ही फस गए। इस तो बाद कुछ ही मिनटों में भारतीय फौज की बचाव टीम दसे गए पते ते पहुंची, तो छोटे बच्चे तो उसकी मां ते बुजुर्ग सहुरे नूं पानी विच डुब्बे घर चों बाहर कढ़िया। पंजाब के जिला फाजिलका के मंडी अरनीवाला एक परिवार नाल दर्दनाक हादसा वापरिया। एक मकान की छत डिगण नाल परिवार के दो जीआं की मौत हुई है। मरन वाले च 5 साल बच्चा ते 60 साल औरत शामिल है। परिवार के चार मैंबर सुते पए सन जदों रात करीब 1 बजे अचानक कमरे की छत डिग गई। जानकारी दिंदे घर के मालक रजत महेंद्र दत्ता ने दस्सिया कि रात में अचानक उसकी अख खुलने वह बाथरूम गया। इस दौरान कमरे की छत डिग गई। मलबी हेठ दबन कारण उसके 5 साल बेटे दिवांश से माता कृष्णा राणी की मौत हो गई। इस हादसे में रजत की पत्नी मामूली रूप नाल जख्मी हुई। चंद्रयान 3 चंद्रमा से भारत का इतिहास लिखने लगातार अगे बढ़ रहा है। वाहन ने प्रोपल्शन मॉड्यूल नूं लैंडर ते रोवर तो वक कर दिता। इसका मतलब है कि हुण चंद्रयान दा रोवर चंद्रमा की सत्ता से उतरण लई कल्ले ही अगे बढ़ रहा है। जिहे चार जिस लई महत्वपूर्ण मनिया जा रहा है कि करीब 4 बजे चंद्रयान 3 विच डीहस्टिंग की प्रक्रिया होगी, जिस च लैंडर अपनी रफ्तार नूं घट करेगा ते चंद्रमा की सत्ता के थोड़ी नेड़े चला जाएगा। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 23 अगस्त नूं शाम 5:47 से चंद्रमा की सत्ता से उतरेगा। हुण पूरे देश दीआं नज़रां 23 अगस्त से टिकिया हुई जो लोग चंद्रयान के चंद्रमा से उतर देखेंगे। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान से नैशनल सीक्रेट साइफर या डिप्लोमेटिक नोट चोरी करने के दोष केस दर्ज हुए। मामले की जांच स्पैशल ज्वाइंट इन्वैसटीगेशन टीम कर रही है। इसने अटक जेल में 12 दिन तो कैद खान तो 5 घंटे पूछगिछ की है। साइफर पिछले साल मार्च में अमरीका में तैनात पाकिस्तान अंबैसडर असद मसीद खान ने विदेश मंत्रालय को भेजा। खान ने इस पढ़न के बहाने अपने को रख लिया, तो बाद कि लैटर गुवाच के नैशनल सिक्योरिटी एक्ट खिलाफ है। जेकर खान दोषी पाए गए तो उन्होंने 10 साल की सजा हो सकती है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भाई दविंदरपाल भुल्लर की समय तो पहला रिहाई की मांग से दायर पटीशन से सह समीख्या बोर्ड ने कहा कि भुल्लर की रिहाई की मांग से 4 हफ्तों में फैसला लिया जाएगा। भुल्लर बम धमाके के केस टांडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसन बाद उम्र कैद में तब्दील किया गया। इस पटीशन से अगली सुनवाई हुण 18 अक्टूबर होगी। प्रोफेसर दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई में हो रही देरी लैके सबक केंद्रीय मंत्री श्रोमणी अकाली दल की आगू हरसिमरत बादल ने अरविंद केजरीवाल को कुछ सवाल पूछे। पाकिस्तान तो टिड्डियां का आतंक एक बार फिर फसलों से मंडराने लगे। पाकिस्तान टिड्डियां ने सरहदी जिलों के 100 हेक्टेयर तो वध खेतर चांड दिए ने। किसानों जरा रहा कि जेकर इन्हां ते तुरंत काबू ना पाया गया तो कुछ दिनों बाद ये मूंगी मोठ मूंगफली ते होर फसलों बर्बाद कर देंगे। इस दौरान अगस्त महीने में मानसून की बेरुखी ने भी किसानों की चिंता वधाई है। भारत पाकिस्तान सरहद नाल लगते राजस्थान के गुजरात के इलाकों में टिड्डी दल से काबू पाने लई लगातार सर्वेखण हो रहे। इस बारे इन्हां इलाके 155 जिहे स्थान देखे गए जिथे टिड्डियां के अंडे देने की संभावना। 2024 के लोकसभा चोणों में हुण सिर्फ 1 साल तो घट का समा बचा है। अजिहे च केंद्र की मोदी सरकार ने वोटरों को खुश करने की तैयारी शुरू की है। देश में इस समय महंगाई सब तो वड्डा मुद्दा बनी हुई है। अजिहे च मोदी सरकार महंगाई तो राहत देने लई वड्डे फैसले लैण की तैयारी करी। खबर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल ते डीजल दीआं वधदीआं कीमतां तो राहत मिल सकती है। मोदी सरकार पेट्रोल ते डीजल ते एक्साइज ड्यूटी च कटौती कर सकती है। इस तों इलावा खाण वाले तेल ते भी दरामद ड्यूटी घटाई जा सकती है। कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन खत्म करने सफलता से सवाल चुकते हैं। पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 15 दिनों का होर समा दें कार्रवाई का आखिरी मौका दिया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ठोस कदम चुके अगली सुनवाई से जानकारी देने का हुक्म दिया। सुनवाई दौरान अदालत में दसिया गया कि हुण सिर्फ 30 प्रदर्शनकारी ने। इससे पटिशनर ने कहा कि इन्होंने प्रदर्शनकारी लिए पुलिस के 500 जवान से रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। हुण जनता को मोर्चे के लोगों को घटते पुलिस की बैरीकेडिंग तो परेशानी ज्यादा हो रही है। बेंच ने 15 दिनों का समा दें मामले को 5 सितंबर लई मुलतवी करदे कहा कि 10 मार्च के हुक्म लागू किया जाए।
करतारपुर में खुद को भाजपा के यूथ आगू कहने वाले नौजवान की हथियारों की प्रमोशन करने की वीडियो तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो में कथित आगू एक औरत नाल बैठ के वीडियो बना रहे जिस विच साफ दिखाई दे रहा है कि वह अपने लाइसेंसी वैपन लोड कर रहे। इस अलावा उसकी एक बर्थडे पार्टी की तस्वीर भी वायरल हुई हैं जिन्हों में एक हाथ नाल अपने दोस्त को केक खवा रहे दूजे हाथ में वैपन फड़िया हुआ। हैरानी की गल है कि इस आगू को पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस के हुक्मों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। इन दिन सूबे डेंगू चिकनगुनिया ते आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे जिसनों लैके सेहत विभाग चौकस दिखाई दे रहा है। इसके चलते सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वालों खुद फील्ड में उतर के आम लोगों को इन बीमारियों के बारे जागरूक किया जा रहा है। पटियाला के हीराबाग नेड़े इलाकों में इन वालों दौरा किया गया जिस दौरान वड्डी मात्रा च घरां च रखे गए कूलरां च डेंगू का लारवा पाया गया जिसके मौके से सैंपल ले गए। उन्होंने लोगों को अपील की कि लोग घरां च पे कूलरां का पानी हफ्ते च इक वार जरूर साफ करो, गमलों के नीचे रखेंगे, ट्रेयां च पानी साफ करो, ता ही असं डेंगू ते चिकनगुनिया वर्गी बीमारी तो बच सकते हैं। श्री अकाल तख्त साहब के मुतवाजी कारगर जथेदार भाई ध्यान सिंह मान वालों मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को पंच सिंह साहबान के देश से श्री अकाल तख्त साहब विखे तलब न होने के दोष तनखाइया करार दिया गया। जथेदार भाई मान ने कहा कि गुरुद्वारा एक्ट 1925 में सोध से सिखी स्वरूप संबंधी गलत टिप्पणियां करने के दोष सिंह साहबान वालों मुख्यमंत्री श्री अकाल तख्त साहब विखे तलब होने के तीन मौके दिए गए सन पर पेश नहीं। उन्होंने अपने दो विधायकों ने स्पष्टीकरण पत्र भेजा जिस तो लगता है कि वह जान बुझ के अकाल तख्त साहब का समा खराब कर दे रहे। आम आदमी पार्टी लुधियाना में उस समय वड्डा हुलारा मिले जदों वीरवार को तीन प्रमुख हस्तियां आप च शामिल हो गए। बसंत ग्रुप के चेयरमैन रजिंदर सिंह बसंत सने कई आगू आम आदमी पार्टी शामिल हो गए। आप पंजाब के कार्यकारी प्रधान विधायक बुद्ध राम ने उन्होंने पार्टी शामिल किया तो उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने नाल कुलवंत सिंह पप्पी अकाली दल तरलोचन सिंह काका कांग्रेस सरबजीत सिंह सेविया कांग्रेस भी आप शामिल हो गए। देश के टमाटर के खपतकारों को जल्द ही वड्डी राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से हरियाणा तो टमाटरों की आमद शुरू होने सितंबर के शुरू में मौजूदा टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधकी निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्ता ने कहा कि इस महीने के अंत तक सप्लाई का दबाव बढ़ेगा। असं उम्मीद करते हैं कि कीमतों में काफी कमी आएगी तो सितंबर के अंत तक टमाटरों का भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाएगा। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।